नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज ये हम दो नकल्स हैं। इस दो नकल्स को परफेक्ट पावर स्टंट कैसे लाए इसके अंदर, और इसमें जो निशान बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं, उसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Like the attention, girl, I know you, but you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट वर्कआउट है, आपको डॉगी पोजीशन में जाना है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था। और डॉगी पोजीशन में जाके ये दो नकल्स दिख रहे हैं आपको, इसी दो नकल्स में आपको वॉक करना है, राइट दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वॉक करना है, जैसे कि मैंने तो 3 राउंड लिया था जस्ट वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा राउंड लेना है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक लेते रहो राउंड, बहुत ईजी है। और ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपको आगे की तरफ रखना है। ये था वर्कआउट नंबर 1। I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here. जिसमें कि आपको ध्यान रखना है, आपको डॉगी पोजीशन में ही रहना है। और डॉगी पोजीशन में आपको दोनों नकल्स ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो नकल्स हैं। दो नकल्स में आपको पूरे बॉडी वेट रखना है अपनी तरफ, और होल्ड करके रखना है जितना ज़्यादा हो सके, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सके, आप लोगों को इस पर ज़्यादा फोर्स लगा के रखना है। डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये था वर्क नंबर 2। अब आप कर सकते हैं वर्क नंबर 3 के लिए। ये तो वर्कआउट नंबर 3। इसमें आपको करते वक्त ध्यान रखना है, जब आप डॉगी पोजीशन में रहो तो एक पैर को ऊपर सीधा स्ट्रेट में रख लो, इस टाइप से स्ट्रेट में रख लो। और ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपका आगे ही होना चाहिए, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, राइट। और इसी दो नकल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा वेट रखना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये था वर्कआउट नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं 4। I wanna show my best friend, she saved my life, my happy end in hard times. आपको आपका नकल्स में पावर आएगा, और जो आपका जो ब्लैक डब है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी देखो, थोड़ा सा दिख रहा है, मैंने काफ़ी दिन से ट्रेनिंग छोड़ दिया था, तो ये बस वीडियो आप लोगों ने मांगा इसलिए मैंने आप लोगों को दिया, और इसलिए अभी थोड़ा सा रेड रेड हो गया है काफ़ी, है ना। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये था वर्कआउट नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं 5 के लिए। It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. आपको ध्यान देना है, जब पुशअप पोजीशन में जाओ तो पुशअप पोजीशन में जब पुशअप मारो तो ज्यादा से ज्यादा वेट इधर रखना है। जैसे कि मैं देखो, अभी से ही ब्लैक बेल्ट अब स्टार्ट हो चुका है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं 1 वीक तक इसकी ट्रेनिंग करूँ, प्रैक्टिस करूँ ना, तो मेरा ये ब्लैक बेल्ट हो जाएगा। बस मैं प्रैक्टिस नहीं करता, टाइम नहीं मिल पाता। आप लोगों भाइयों का कमेंट चेक करना, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, एडिटिंग में बहुत टाइम चला जाता है, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता। मैं सोचता हूँ टाइम निकालूँ, आप करो, नहीं निकल पाता है बिल्कुल। टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, फिर क्लासेज है मेरे, फिर उसके बाद टॉपिक्स देखना पड़ता है मुझे, फिर आप लोगों का कमेंट्स देख के बनाना पड़ता है वीडियो, फिर बहुत सारा मतलब बहुत हुआ है।
तो मैं फॉर्मेलिटी है, आपकी जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने के लिए मैं लगा रहता हूँ। और ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि सर ये ब्लैक डक कैसे बनता है और इसको कैसे नकल्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो यही पांच बेस्ट एक्सरसाइजेज फ्रेशर के लिए, न्यू के लिए बिल्कुल, और एडवांस के लिए, मैं जो भी एडवांस में हैं बच्चे जो बहुत सीनियर हैं उन लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसी चीज़ के लिए, नकल्स के ऊपर, राइट। ये अभी बेसिक बच्चों के लिए, जो भी बेसिक्स बच्चे हैं, जो भी फ्रेशर फ्रेशर नए नए सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिक है छोटा सा बिल्कुल, है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें और 1 वीक के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ब्लैक डक पड़ा कि नहीं पड़ा। और गारंटी देता हूँ 101% आपका ब्लैक डक ना हो और कमेंट में नहीं, राइट। तो बस दोस्तों यही छोटा सा वीडियो बनाया मैंने फ्रेशर के, बहुत सारे भाइयों को कमेंट आया था। तो बस अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले रहें Whether they up or not with you till I die, how many times for you I'ma try? Want you to notice the one and I know this perfect soulmate.